हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज्यादा डिलीशियस रेसिपी है। और इस सब्जी को बनाने में हमने एक ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इस सब्जी का जायका कई हजार गुना बढ़ गया है। और मेरी ये गारंटी है कि इस सब्जी को एक बार बनाने के बाद में आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा लाजवाब बनती है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिक्स वेज को बनाने के लिए मैंने काफी सारी सब्जियों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले तो मैंने इन सब्जियों को अच्छी तरीके से वॉश किया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन सब्जियों का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने आल प्याज ली है, और कुछ मटर ली है, गाजर हैं, शिमला मिर्च हैं, और अगर आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उन्हीं से इस रेसिपी को बना सकती हैं। तो मेरे पास जो जो सब्जियां थी मैंने उन सभी को ले लिया है। तो अब इन सब्जियों को हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां तो हमने काट ली हैं, और अभी हमारी एक सब्जी रह गई थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो है गोभी। तो गोभी से सब्जी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसे आप जरूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सारी सब्जी तो हमने काट ली है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर हम तकरीबन 4 टेबलस्पून के अराउंड रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है साबुत जीरा, 5 से 6 लौंग हैं, और 10 काली मिर्च हैं। इन सबको डालने के बाद में अच्छे से चटकने देंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, जो स्प्रिंग अनियन हमने कट की है उसका जो सफ़ेद वाला पार्ट है वही मैं इसमें चॉप करके डाल रही हूँ। 2 तेज़ पत्ते भी हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे डालने से इस सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब इस प्याज को हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे, और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक, इसको भी प्याज के साथ साथ ही हम फ्राई करेंगे ताकि इस गार्लिक की भी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये लीजिए प्याज, और जो हमने लहसुन लिया था वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ हम 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जिंजर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने स्प्रिंग अनियन कट की थी उसे, और इसे डालने के बाद में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से जब हम फ्राई करके स्प्रिंग अनियन को बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारे जो स्प्रिंग अनियन थी वो तो अच्छे से फ्राई हो ही चुकी है, तो बाकी की वेजेस भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ मैंने फ्रेंच बीन्स ली हैं, इन्हें भी छोटा छोटा कट कर लिया है, इसको डाल देंगे सब्जी में। और अब यहाँ पर मैंने गोभी इसमें डाल दिया है, और गाजर को भी हमने इस तरीके से कट कर लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे सब्जी में। और जो हमने मटर लिए हुए हैं उन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमें शिमला मिर्च कट की थी इन्हें अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें अभी सब्जी में ऐड कर देंगे तो बहुत जल्दी गल जाएंगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो शिमला मिर्च को हम बाद में ऐड करेंगे, तो एक साइड में इन्हें रख देते हैं अभी, और अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे सभी सब्जियों को। तो मीडियम फ्लेम पर इन्हें लगातार चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद में इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जिसकी वजह से इस सब्जी का जायका हजार गुना बढ़ जाएगा, तो वो है फ्रेंड्स पेरी पेरी मसाला। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ये पेरी पेरी मसाला, इसको डालने से इस सब्जी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस सब्जी में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के अराउंड ये पेरी पेरी मसाला इसमें डाल दूंगी, और इसको डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है क्योंकि इसमें सारे वेजेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब लगती है। और अब इस सब्ज़ी के अंदर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, तो इसे आप हसब ज़ायका भी ले सकते हैं, और पेरी पेरी मसाला जो होता है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो ये आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और सब्ज़ी में अच्छा सा कलर आ जाए और इसके लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, इसको ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, और इसे डालने के बाद में अब हम इस पर लिड लगा कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका लिड हटा दिया है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी सब्ज़ी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हो जाता है। और अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं दही, तो 1/2 कप दही को मैं इसमें डाल दूँगी, इससे सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर से लिड लगा कर रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मेथी को और अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और मेथी डालने के बाद में इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है, और अब ऊपर से इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स और अब इसे सर्व करेंगे। तो आप इस सब्ज़ी को इंजॉय कर सकते हैं पूरी और पराठे के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।